गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी के विषय में पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा कि हम लोग की भाषाएं किस तरह से डेवलप हुई, लिपि क्या होती है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होते हैं। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को बहुत पहले की जो है आपकी अवस्था में जाना पड़ेगा। जैसे जब बहुत प्राचीन समय के युग में अगर हम जाते हैं, जब मानव ने जन्म लिया पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद धीरे धीरे करके मानव एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुआ, एक दूसरे की तरफ अपनी जो एक तरह से इच्छाएं थी, जो उसके मन में बातें होती थी, वो एक तरह से सांकेतिक अवस्था में उसने कुछ इशारों से, संकेत से जो है अपनी बातों को कहना शुरू किया होगा। ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहता भी है कि इस तरह से शुरुआत हुई होगी। अब किसी को अगर मान लीजिए भूख लगी है, तो अब वो पेट पकड़ के बैठा है, तो पेट पकड़ के बैठा है तो उसका इंडिकेशन दो ही हो सकता है, जिसने जिसको पहले पेट में दर्द हुआ हो या फिर भूख लगी हो, तो वो यही समझेगा कि भूख लगी है या पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या है, ये संकेत है। या सर में दर्द हो रहा है तो बार बार हम सर को दबा रहे हैं अपने हाथों से, तो दूसरे वाले व्यक्ति को अगर कभी सर में दर्द हुआ होगा तो हमेशा उसको भी दिमाग में आएगा कि नहीं, इसको भी उसी तरह का दर्द हो रहा है जैसे हमें हुआ होगा। ये क्या था, ये संकेत थे, तो इसको सांकेतिक अवस्था कहा गया। तो पहले क्या है, पहले सांकेतिक अवस्थाएं थी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आदमी, क्योंकि हम लोगों की मेमोरी जो है, हम लोगों की जो एक तरह से कहा जाए कि जितनी भी हम लोग सोच रखते हैं, ये सोच बदलती रहती है। हम लोग जब फर्स्ट क्लास में होते हैं तो फर्स्ट क्लास की स्टडी बुक करते हैं, फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए, तो जैसे ही हम लोग का क्लास बदलता है पीछे वाली चीजें हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट आगे वाली चीजों को ध्यान रखने लगते हैं। तो बात ये आई होगी लोगों के बीच में कि हाँ, हमने पिछली बार भूख को ऐसे बताया था या इस चीज को ऐसे बताया, तो अब कैसे बताएंगे। अब जैसे पेट पकड़ना तो दो चीजों को इंडिकेट कर रहा है, तो अब पेट खाली है कि पेट में दर्द हो रहा है कैसे इंडिकेट किया जाए। पेट खाली है तो उसने इंडिकेट ये किया कि कुछ नहीं है, और अगर उसने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है तो पेट पकड़ के वो बता रहा है कि दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, संकेत है। देखिए मेरी उंगलियों से, मेरे हाथों से हम संकेत दे रहे हैं, पेट खाली है तो कह रहा है कुछ नहीं है, और अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो कह रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या, ये सांकेतिक अवस्था है। अब इस सांकेतिक अवस्था को हर व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं कि हम जो संकेत कर रहे हैं वो दूसरा वाला भी संकेत करे। इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या हुआ होगा कि लोगों ने क्योंकि ये सोचा कि हाँ, ये चीजें हमेशा हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो यही से क्या हुआ, लिपि जिसको कहा जाता है स्क्रिप्ट, उसकी शुरुआत हुई होगी। और विश्व भर में अलग अलग जगह जहां जहां लोग रहते थे वहां वहां अलग अलग चीजों की लिपि की शुरुआत हुई। तो लिपि जो शुरू हुई वो विश्व स्तर पर, अगर हम लोग देखें वैश्विक स्तर पर, अगर हम लोग देखें तो वृहद क्षेत्र में पाई जाने वाली जितनी भी जो है आपकी लिपियां हैं, उन लिपियों को अगर हम लोग देखें तो एक तरह से बहुत सीमित ही है। तो यहां पर कहते हैं कि अगर हम इन बातों को देखें तो जैसे सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है रोमन और यूनानी, ये दो लिपियां थी। रोम जो कि यूरोप का एक देश है, जो कि इटली में पाया जाता है, तो इटली में पाया जाने वाला एक शहर है, तो इटली एक देश है और उस देश में एक शहर है जिसका नाम है रोम। रोम में पहले डेवलपमेंट हुआ, अर्थात यहां पर स्क्रिप्ट डेवलप हुई, लिपि जिसको कहा जाता है। तो शुरुआत कहां से हुई, लिपि से। लिपि का मतलब यह हुआ कि जैसे आज हम पढ़ते हैं ये है का, तो ये का डायरेक्ट नहीं बना होगा, तो पहले लोगों ने आवाजें निकालना शुरू की होंगी, तो आवाजों से सारी चीजें आपके एक तरह से डेवलप होती चली गई। तो पहले लिपि जो थी वो बहुत कठिन थी, हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब तक बताए नहीं कि हाँ ये है, तो लिपियां इस तरह से डेवलप की गई कि इसका मतलब ये है। तो बहुत सारे इशारों से अब इसी का को हो सकता है कि ऐसे लिखा गया हो, खा को हो सकता है कि ऐसे लिखा गया हो,
या गा को हो सकता है कि ऐसे लिखा गया हो, यह सांकेतिक अवस्था है। लिपि क्या होती है? लिपि में अक्षर नहीं बने, ये चिन्हों के माध्यम से किसी चीज को बताया गया, दर्शाया गया, इस तरह की स्क्रिप्ट्स थी। और स्क्रिप्ट्स लिखने वाले लोग और पढ़ने वाले लोग बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, क्योंकि उनको दिमाग बहुत लगाना पड़ता था, उनको याद रखना पड़ता था कि ये क्या है। क्योंकि अब तो हम लोगों के लिए आसान हो गया कि ये कड़ा है तो काम ने रट लिया है, लेकिन उनको याद करना था कि ये लाइन अगर टेढ़ी है तो खा को प्रदर्शित कर रही है, गोल में है तो खा को प्रदर्शित कर रही है। तो ये क्या कहला है? लिपि, स्क्रिप्ट। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे कुछ लिपियां यहां पर बनी, जैसे रोम के क्षेत्र में, इटली के क्षेत्र में, फिर आपके एक तरह से यहां पर डेवलप हुई अरबी लिपि, अरबी लिपि जो है आपके डेवलप हुई, फिर फारसी जो है लिपि जो है आपकी डेवलप हुई इस ईरान, ईरान के क्षेत्र में, ईरान का डेवलपमेंट होता है वहां, ईरान के आसपास के क्षेत्र में। चीनी लिपि जो है आपके चीन के क्षेत्र में आपके डेवलप हुई, तो चीन की लिपि जो है यहाँ पर डेवलप होती है। इसी तरह से जो है देवनागरी लिपि जो है आपके एक तरह से माना जाता है कि भारत में ही के आसपास ही उसकी उत्पत्ति हुई, भारत में उत्पत्ति हुई देवनागरी है। छोटे स्तर पर अगर हम लोग देखें जैसे आपके जो लिखी जो लिपि होती है, तो आपके जैसे तेलुगु लिपि है जो आपके ये होती है, छोटी लिपियां हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो गुरुमुखी जो आपके एक तरह से लिपि होती है, जो पंजाबी जिसको कहा जाता है, तो इस तरह की ढेर सारी लिपियां डेवलप हुई। अब देखिए जब लिपि डेवलप हुई, लिपि को इस तरह से सांकेतिक अवस्था में लिखा गया होगा, अब लोगों को कैसे जो है आपके एक तरह से अपने विचारों को का आदान प्रदान करें। तो विचारों का आदान प्रदान लिपि से नहीं हो सकता, इसका मतलब कि लिपि के द्वारा हम अपने विचार का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो लिपि को सरल भाषा में उतारा गया, तो जो ज्ञानी थे उन्होंने लिपि को अर्थात स्क्रिप्ट को लैंग्वेजेस में अर्थात भाषाओं में कन्वर्ट करना शुरू किया, और ये भाषाएं इसी अपने अनुसार बनाना शुरू किया। अब इन भाषाओं के अलग अलग अक्षर बनने लगे, जैसे हम आज पढ़ते हैं जितने भी अक्षर होते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ग ख ग ल, तो इस तरह के छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो ये जो आपके एक तरह से लिपियां होती हैं, इस लिपियों को अगर देखा जाए, लिपियों से हमारे ये अक्षर बने। और अक्षर हम लोग ने शुरुआत करी इसका मतलब कि हम पहचान लें कि क ऐसा होता है, तो ये क्या है, ये भाषा बननी चाहिए। तो अब क्या है कि इससे डिफरेंट भाषाएं बनी, तो भाषा कैसे बनी? अब लोग अलग अलग रहते थे उसी स्क्रिप्ट के सहारे। अब मान लीजिए कि हम 10 लोग हैं क्लास में, आप लोगों ढेर सारे लोग हैं, हमें है लिपि एक है, लेकिन हम कुछ और समझ रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, तो आप अपने अनुसार एक भाषा लिखेंगे, यहां इस संकेत का मतलब हम ये लिखेंगे, आपने क्या कहा उसी संकेत का मतलब कुछ और मान लिया, हमने कुछ और मान लिया। इसी तरह से एक ही स्क्रिप्ट से ढेर सारी भाषाएं बन गई, जैसे ये थी आपकी रोमन लिपि। रोमन लिपि से जितनी भी भाषाएं बनी हैं, जैसे फ्रांसीसी भाषा, फ्रांस में जो पाई जाने वाली भाषा, स्पेन में पाई जाने वाली भाषा जो आपकी बनी, तो ये स्पेनिश भाषा बनी। इसी से आपकी जर्मन भाषा भी बनी, इसी से बनी आपके यहां पर इंग्लैंड में पाई जाने वाली अंग्रेजी भाषा, फिर अंग्रेजी भाषा का और अब अंग्रेजी भाषा जैसे उत्तरी अमेरिका और इन सब क्षेत्रों में आपके दक्षिण अफ्रीका, फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन जगह पहुंची। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अंग्रेज थे इन्होंने हर जगह शासन किया, इवन भारत तक आए। हम लोग भी अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ आए, इसलिए अंग्रेजी जो है भाषा हमारे यहाँ भी पहुंच गई, जबकि अंग्रेजी का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारे यहाँ, लेकिन जहां जहां अंग्रेज थे वहां वहां आपके पहुंचे। तो जैसे रोमन भाषा ने ढेर सारे जो है आपकी भाषाओं को जन्म दिया, स्पेन में जो लोग रह रहे थे उन्होंने अपनी भाषा बना लिया, स्पेनिश हो गई, फ्रांस में जो लोग रह रहे थे फ्रांस ने अपनी भाषा बना लिया, फ्रांसीसी हो गई, उसी तरह से जर्मनी में जो लोग रह रहे थे जर्मनी ने अपनी भाषा बना लिया, वो जर्मन हो गई, इंग्लैंड में जो लोग रह रहे थे उन्होंने अपनी भाषा बना लिया, इंग्लिश भाषा हो गई। इस तरह से
भाषाओं का जो है आपके एक तरह से डेवलपमेंट होता चला गया। यूनान की भाषा थोड़ा सा टफ थी क्योंकि यूनान की जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, कम ही लोग पढ़ते हैं, तो यूनान की स्क्रिप्ट से यूनान भाषा ही केवल बनी। और यूनान भाषा जो बनी वो यूनान में अर्थात ग्रीस में बोली जाती है और कुछ हद तक आपके मध्य अमेरिकी देशों में चली आई, मध्य अमेरिकी देशों में भी यूनान भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक यूनान भाषा और एक लैटिन भाषा बनी। तो यहां पर जो भाषाएं बोली जाती है वो लैटिन कहलाती है दक्षिण अमेरिका में, तो इसलिए लैटिन भाषा जो बनी वो भी कहां से बनी, वो भी आपके ग्रीस से बनी। इसी तरह से चीन की लिपि थी, इस चीन की लिपि से चीन ने अपनी भाषा बनाया, कोरिया ने अपनी भाषा बनाया, जापान ने अपनी भाषा बनाया, यहां तक कि रूस के क्षेत्र में रूसी भाषा पर भी इसका प्रभाव था। तो रूसी भाषा जो आपके बनी तो उस पर भी आपके इस तरह का प्रभाव दिखाई पड़ा। फिर आपके अरबी भाषा जो बनी ये पूरे अरब देश में, तो सऊदी अरेबिया का क्षेत्र है प्लस उसके अलावा इराक है, कुवैत का क्षेत्र है, ये सब जितने भी आपके क्षेत्र होते हैं, ओमान है, यमन है, इन सभी देशों में जो है आपके एक तरह से अरबी भाषा जो है प्रोपगेट हुई, पढ़ाई गई, इलेबरेट की गई। उसी तरह से फारसी जो लिपि थी वो डिफिकल्ट थी, जैसे अरबी लिपि डिफिकल्ट है, अरबी हर आदमी नहीं समझता, लेकिन यहाँ के लोगों की भाषा ही वही है, अर्थात अरबी लिपि से अरबी भाषा बन गई, इसलिए अरबी भाषा यहाँ पर लोग बोलने लगे, उनके लिए आसान है। लेकिन हम लोग अरबी जब पढ़ते हैं तो हम लोग उसको रूपांतरित अवस्था में जो है आपके इस तरह से उसका रूपांतरण पढ़ते हैं दूसरी भाषाओं में, जो हम लोगों की भाषाएं हैं उसमें, तब हमें समझ में आता है कि अरबी में क्या लिखा है। तो ये क्या है कि अरबी भाषा हमारी भाषा नहीं है, यहाँ की भाषा नहीं है, ये जरूर है कि धार्मिक एक भाषा बन गई और वो धर्म को रिप्रेजेंट करने लगी, लेकिन जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पर इसका विकास नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे अरब के क्षेत्र में अरबी भाषा का विकास हुआ। फिर यहाँ पर जो फ्रांसिस जो आपके सॉरी ईरान में जो फारसी भाषा थी इसका डेवलपमेंट हुआ, तो ईरान में, इराक में, आसपास के क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट हुआ और इसी से बनी उर्दू भाषा। उर्दू भाषा जो बनी ये एक तरह से आपके जो आपके ये कहा जाता है फारसी लिपि थी, फारसी लिपि से ही फारसी भाषा भी बनी है, उर्दू भी बनी है। तो उर्दू जो बनी वो कुछ जो है आपके पूर्वी भागों में गई सारा, जिसमें ये पहुंची आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के क्षेत्र में, यहाँ के लोग उर्दू भाषा पढ़ने लगे। उर्दू भाषा का जो उदय हुआ वो कहां से हुआ, ये आपके इस लिपि से हुआ, फारसी भाषा की लिपि से। फिर जैसे जहां पे हम लोग रहते हैं, यहाँ हमारा जो देश है भारत, वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक लिपि थी जिसको देवनागरी लिपि कहा गया। देवनागरी लिपि बहुत व्यापक थी, बहुत बड़ी थी, जिस तरह से आपने देखा कि रोमन लिपि बहुत व्यापक थी और जिससे बहुत सारी भाषाएं बनी, उसी तरह से देवनागरी लिपि भी बहुत ज्यादा जो है आपके चीजों को इसने बनाया। जैसे इसी से हिंदी बनी कुछ, जैसे हिंदी उत्तर भारत के क्षेत्र ज्यादातर लोग जो है इसी पर जो है आपके एक तरह से हिंदी को ज्यादा समझते हैं। इसी से संस्कृत बनी, संस्कृत पूरे क्षेत्र में जो आपके डेवलप हुआ भारत में, जो संस्कृत भाषा बनी वो भी देवनागरी से बनी। नेपाली बनी, मैथिली बनी, तो ये सब जितनी जो आपकी भाषाएं बनी वो आपके देवनागरी से बनी। तो गुरुमुखी से आपके पंजाबी भाषा बनी, तेलुगु से फिर तेलुगु भाषा बनी, जिसका तमिलनाडु, केरल और आसपास के क्षेत्र में जितना भी आपके क्षेत्र है वहां पर, जैसे श्रीलंका है, इन सब जगह पर जो है आपके प्रयोग किया जाता है तेलुगु भाषा का। तो ये जो है आपके इस तरह से कुछ स्क्रिप्ट बनी, अर्थात संकेत बने, जिसको हम लोग ने कहा लिपि। तो लिपि का विकास हुआ और लिपि से हम लोग ने आसान करने के लिए छोटी भाषाएं डाली, क्योंकि भाषा को सीखना आसान है, लिपि को सीखना आसान नहीं है। तो अरबी भाषा हम लोग पढ़ते हैं, अरबी लिपि नहीं पढ़ सकते, अरबी लिपि बहुत डिफिकल्ट है और हो सकता है कि शायद लाख में करोड़ों में एक आदमी पढ़ पाए या शायद कोई ना पढ़ पाए, ना के बराबर पढ़ पाए, क्योंकि लिपि बहुत डिफिकल्ट है। तो लिपि जो शुरुआत होती है, जैसे उसी तरह से जैसे रोमन भाषा को आप जान रहे हैं लेकिन रोमन लिपि को पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी आपके एक तरह से महर्षि हुए, तो या फिर जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने जो है आपकी भाषाओं को बनाया। तो भाषा क्या था,
भाषा अपने आप, हम जब लोग डेवलप होने लगे, ढेर सारे लोग जो है आपके पृथ्वी पर हो गए और समाज बनने लगा, तो अब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे? भाषा के माध्यम से। अब भाषा को ऐसे तो देखा जाए कि हम लोग तीन तरीके से उसके पार्ट होते हैं। तीन पार्ट क्या होते हैं? या तो हम भाषा को लिख सकते हैं, लिखे तो भाषा हो जाती है, लिखे तो अवस्था में अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, या हम कोई चीज बोल रहे हैं तो मौखिक भाषा हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं। तो भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, जबकि इसके तीन अंग हैं। अंग तीन क्या है? तीसरा अंग क्या है? सांकेतिक। तो इसीलिए कहीं कहीं पर आपको तीन जगह पर यह मिलेगा कि सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अंग जो इसके हैं वो आप ये कह सकते हैं भाषा के तीन अंग हैं। एक सांकेतिक अर्थात संकेत के द्वारा, जैसे हमने ऐसे इशारा किया तो इसके मतलब क्या हुआ? मेरे पास आ गए। ऐसे हमने इशारा किया तो दूर चले जाओ, ये क्या है? ये संकेत से हम बुला रहे हैं। अगर हमें इसी को सांकेतिक अवस्था में नहीं मौखिक अवस्था में बुलाना है तो हम कैसे बुलाएंगे? इधर आ जाइए या इधर आ जाओ, दूर चले जाओ, ये क्या है? ये मौखिक रूप से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। एक आदमी बोलने वाला होता है, एक आदमी सुनने वाला होता है, मौखिक अवस्था होगी। इसी को हमने लिखित अवस्था में कर दिया। अब यहां पर क्या है? हमने लिख दिया यहां आओ, हमने कुछ बोला नहीं, हमने किसी एक विद्यार्थी को उठाया और हमने कहा कि आप उसने पढ़ा, यहां आओ, कोड के चलाया। ये क्या है? हमने लिखित अवस्था में उसको क्या किया? लिखित अवस्था में जो है हमने उसको बताया। तो इसीलिए मुख्य रूप से ज्यादातर देखा जाए, क्योंकि सांकेतिक अवस्था में बहुत, जैसे वो बधिर होते हैं, डेफ एंड डम्स, जो सुन नहीं पाते हैं, या फिर जो है आपके तरह से बोल नहीं पाते हैं, बहरे होंगे जिनको कहा जाता है, तो वो लोग सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो संकेत से बताते हैं, अपने इशारों से बताते हैं। तो सांकेतिक अवस्था, मौखिक अवस्था और लिखित अवस्था तीन अवस्थाएं होती है, लेकिन भाषा को मुख्य रूप से आपके जो है आपके दो रूपों बांटा जाता है, एक मौखिक अवस्था, एक लिखित अवस्था। तो ये दो आपके पार्ट में आते हैं भाषा के। अब जब भाषा बनी, भाषा क्या है? एक बृहद क्षेत्र में बनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी भाषा बन गई, भारत के इस पूरे क्षेत्र में आपके हिंदी भाषा का विकास हुआ। लेकिन अब हिंदी से भी बहुत सारे लोग का उच्चारण, जो प्रोनंसिएशन होता है, उच्चारण ठीक नहीं होता। तो क्या है कि किसी बोली को, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्षेत्रीय आधार पर बोलने लगते हैं, जैसे कुछ लोग एक साथ रहते हैं तो आपस में एक बोल रहा है किसी दूसरा बोलने लगे, दूसरी जगह जैसे बोल रहे हैं वैसे बोले, तो उस भाषा को तोड़ दिया जाता है जगह जगह। और जब क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग जगह पर हम लोग इसको तोड़ देते हैं और इसका क्षेत्र बहुत छोटा हो जाता है, जब व्यापक नहीं रह जाता, जब क्षेत्र व्यापक होता है तो भाषा हो जाती है, और जब ये क्षेत्र छोटा हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं? बोली। तो अब जैसे हिंदी है, हिंदी हमने कहा देवनागरी लिपि से निकली हुई हिंदी भाषा, लेकिन हिंदी भाषा है, लेकिन इसी से क्या निकल आई? उसी से आप कह सकते हैं ढेर सारी भाषा। हिंदी बोलने वाले ही व्यक्ति भोजपुरी भी बोल रहे हैं, बिहारी भी बोल रहे हैं, राजस्थानी भी एक तरह से क्षेत्रीय भाषा ही है, जो कि हम लोग बोली के रूप में जानते हैं। राजस्थानी एक बोली हो गई, महाराष्ट्र में मराठी बोली जा रही है, वो क्या हो गई? एक बोली हो गई। तो एक तरह से ये भाषा के रूप में डेवलप हुई, जैसे महाराष्ट्र व्यापक क्षेत्र में है तो इसको भाषा के अंतर्गत रखा गया, और बोली क्या है? एक छोटे क्षेत्र में। अब दोनों में फर्क क्या है? क्या क्षेत्र का ही फर्क है कि व्यापक जगह पे बोली जा रही है तो भाषा है और छोटे जगह पे बोली जा रही बोली? नहीं। जब किसी भी भाषा में हम क्या करते हैं, जब हम किसी भाषा में उसके लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिखित अवस्था में हम ग्रामर का प्रयोग करें जिससे कि हम शुद्ध बोल पाए, शुद्ध चीजें हम कर पाए। तो अगर हमने उस तरह की शुद्धता रखने के लिए, ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या करता है, व्याकरण क्या करता है? व्याकरण हमें शुद्ध बोलने की को बताता है। जैसे वो लड़की खाना खा रहा है, अगर हम बोले तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। व्याकरण हमें, ग्रामर ये बताएगा खाना खा नहीं रहा है, लड़की खाना खा रही है। तो व्याकरण के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं।
तो अगर हम शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध बोल रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? ये व्याकरण से पता चलेगा, ग्रामर से। तो सभी भाषाओं की के व्याकरण हुआ करते हैं, अर्थात उसको उसके लिए एक नियम बनाया जाता है। व्याकरण मतलब एक आप कह सकते हैं नियम, लॉ। तो एक तरीका बना दिया जाता है कि नहीं इसको ऐसे बोला जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है? ये लिखित अवस्था में या फिर बोलने जाते हैं अवस्था में नियमों का पालन करें। तो ऐसे अगर नियम हम लोग बना लेते हैं तो वही भाषा होगी। लेकिन अगर बोली की हम बात करें तो बोली में क्या होता है? बोली की कोई लिखित नियम नहीं होता, व्याकरण नहीं होता। तो छोटे क्षेत्र में बोले जा रहा है, कौन लिखेगा उसके लिए ग्रामर? तो ये क्या होता है, ये छोटे क्षेत्र में जैसे लोकगीत आप सुनते हैं, लोकगीत लोक कथाएं आपने सुना होगा। लोकगीत क्या है? किसी एक पर्टिकुलर जगह की भाषा में बोला गया गीत जो कि उसी क्षेत्र के लोग ही समझ पाएंगे। तो राजस्थानी लोकगीत अलग है, उत्तर प्रदेश के लोकगीत अलग है, महाराष्ट्र में लोकगीत अलग है। तो कहने का मतलब ये कि लोकगीत जो होती है वो क्या है, वो बोली से संबंधित है। लोकगीत और लोक कथाएं, तो लोकगीत और लोक कथाएं क्या है, ये बोली से संबंधित होती है जहां पर कोई नियम या कोई ग्रामर का प्रयोग नहीं होता। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा एक हथियार है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आपके पास एक ऐसी चीज दे दी गई है जिसके माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं भाषण लिखने में। तो बोली के जो है आपके एक तरह से नियम नहीं होते। लेकिन जब बोली, जैसे बोली में आपके, जैसे हमने आपको उदाहरण दे दिया, जैसे कोई किसी क्षेत्र में जैसे खड़ी बोली बोलना है, ब्रज भाषा बोलना है, ये सब क्या है, जगह जगह पे ये बोलियां हैं। तो अब यहां पर ये बोली का रूप ले लेता है। लेकिन बोली का और व्यापक रूप, या आप ये कह सकते हैं कि भाषा और बोली के बीच की चीज जिसमें उपभाषा, जिसको उपभाषा कहते हैं, तो भाषा पूर्ण रूप से तो नहीं होती, उसमें सारे व्याकरण अर्थात ग्रामर पूर्ण रूप से नहीं होते। नियम कोई जरूरी नहीं कि सारे नियम फॉलो किए जाए, व्याकरण ग्रामर कोई जरूरी नहीं कि वो सारी चीज जो है की जाए, लेकिन उपभाषा की जो है आपके एक तरह से कुछ ना कुछ जो है नियम हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होते। पूर्ण रूप से अगर नियम हो जाएंगे तब तो वो भाषा बन जाएगी, पूर्ण रूप से ग्रामर हो जाएगा तब तो वो भाषा बन जाएगी। तो लेकिन वो क्या हो जाते हैं आपके, लेकिन बोली के क्षेत्र से बड़े हो जाते हैं। अब जैसे छोटे क्षेत्र में अगर बोली क्या है, जैसे मगही, मगही आपने सुना होगा, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना मगही, तो मगही भाषा, मगही एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है बिहार में, लेकिन संपूर्ण बिहार में अगर हम कहें तो बिहारी उपभाषा होगी। उपभाषा क्या है? बोली का व्यापक रूप। तो जब बोली का व्यापक रूप हम देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपके एक तरह से उपभाषा हो गई। तो उपभाषा जो है आपके बहुत सारी, जैसे उपभाषा कैसे बटी, जैसे इस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें तो अब हिंदी का ही जो आपने हम लोग ने देवनागरी लिपि से लिखी हुई जितनी भाषाएं बनी उसी को हमने तोड़ दिया अलग अलग जगह। तो अब यहां पर क्या है कि ऊपर के क्षेत्रों में भारत के उत्तर के क्षेत्र में हिमालय है, हिमालय से लगे हुए कितने क्षेत्र थे, तो एक जगह का जो है एक जगह एक जैसी चीज पाई जा रही है, वहां की बोली बोली भी उसी तरह की है। तो वहां पर बोली जाने वाली भाषा या उपभाषा क्या बन गई, पहाड़ी। तो पहाड़ियों में पाई जाने वाली भाषा तो पहाड़ी उपभाषा हो गई। और उपभाषा में भी जैसे पहाड़ी जो है आपके उपभाषा को अगर हम कहें तो अब हिमाचल प्रदेश चले जाइए तो वहां पर हिमाचली भाषा बोली जाती है, हिमाचली। आप उत्तरांचल चले जाइए, जब उत्तरांचल हम लोग जाते हैं तो उत्तरांचल में कुमायूं पहाड़ियां हैं, कुमायूं पहाड़ियों पर रहने वाले लोग कुमायूं भाषा बोलते हैं। वहीं पर जो है पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र है उत्तरांचल में, तो गढ़वाली भाषा होगी। तो गढ़वाली भाषा जो है, फिर आपके कुमायूं भाषा है, फिर आपकी हिमाचली भाषा है, ये सब क्या है, ये पहाड़ी भाषा में आ जाए। तो क्या है, पहाड़ी के उपभाषा होगी और इसके अलग अलग रूप हो गए। हिमाचल प्रदेश में हिमाचली बोली जा रही है, उत्तरांचल के क्षेत्र में कुमायूं क्षेत्र में कुमायूं बोली जा रही है, कुमायूं जो है उपभाषा हो गई। उसी तरह से पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली भाषा बोली जाती है। तो ये क्या है, पहाड़ी भाषा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पूर्वी क्षेत्र में चले जाए तो पूर्वी क्षेत्र में जैसे आपके जो भाषा होती है, जैसे एक तरह से आपके जैसे बिहारी भाषा भी इसी जो है आपके कैटेगरी के अंतर्गत ही आती है, लेकिन
में भी जो आपके पश्चिमी और पूर्वी भारत उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो आपकी भाषाएं हैं वो पूर्वी और पश्चिमी जो है भाषाओं में कन्वर्ट की गई। तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से पश्चिमी भागों में और पूर्वी भाग में बटा हुआ है। तो पूर्वांचल में बोली जानी जैसे अवधी, अवधी क्या है पूर्वी भाषा, तो पूर्वी भाषा अवधी हो गई। पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम आएंगे तो ब्रज भाषा हो जाती है, हरियाणवी हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगे हुआ हरियाणा है तो हरियाणा में बोली जाती है हरियाणवी। ये क्या है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। तो पश्चिमी हिंदी में ढेर सारी भाषाएं हो जाती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये जो है जैसे कन्नौज में तो कन्नौजी भाषा बोली जाती है, कन्नौज का क्षेत्र जो है तो कन्नौजी भाषा हो गई, हरियाणा की भाषा हो गई। तो ये सब क्या है, ये पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र की बात अगर हम करें तो पूर्वी क्षेत्र में जैसे एग्जाम्पल हमने दिया जैसे अवधी भाषा हो गई, अवध के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो कि आपके क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए कि जो भाषाएं हैं जैसे राजस्थानी भाषा जो है वो आपके राजस्थान के क्षेत्र में हो गई, राजस्थान के बेल्ट में बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें जैसे मारवाड़ी है जो आपके जयपुरी भाषा है। तो ये सब अलग अलग छोटी छोटी भाषाएं हैं, तो ये सब जो है आपके राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आ गए। तो मगही जो भाषा है वो सब बिहारी भाषा के अंतर्गत आ गई, तो मगही भाषा हो जाती है। फिर जो है भोजपुरी सॉन्ग आप सुनते हैं, भोजपुरी क्या है बिहारी के अंतर्गत आती है। ये सब क्या है उपभाषा, ये उपभाषा के अंतर्गत आती है। क्यों, क्योंकि इस ये बोली से ज्यादा व्यापक है। तो बोली क्या है, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में हो सकता है, एक शहर में हो सकता है, एक शहर के एक कोने में हो सकता है, केवल वहीं पर बोली जा रही है। लेकिन जब हम उपभाषा की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़े क्षेत्र हो जाती है, उसका भाषा से लगभग मिलने लगती है। लेकिन पूर्ण रूप से भाषा क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से लिखित नियम नहीं होता, व्याकरण नहीं होता। इसलिए जो है हम लोग जो है आपके भाषा का प्रयोग भाषा इसको नहीं कह सकते। तो उपभाषाएं इसी तरह से बन जाती है। तो कौन सी भाषा कहां से निकली, कैसे हुई, लिपियां आपके बनी, लिपियों से भाषाएं बनी, भाषा से जगह जगह पर छोटे छोटे क्षेत्र में बोलियां डेवलप होने लगी, बोली जब और बड़ी व्यापक क्षेत्र में हुई, जब और व्यापक उसने आयाम लिया, अपना आयाम बढ़ाता चला गया, तो जैसे जैसे उसका आयाम बढ़ता गया वैसे वैसे जो है वो उपभाषाओं में कन्वर्ट होने लगी। तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये क्या है, ये एक तरह से समझने वाली चीज है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको रटना पड़े या चीजें, बस आपको ध्यान ये देना है कि कौन चीज कहाँ से डेवलप हुई है और कौन चीज किस जगह से डेवलप हुई है। तो आसानी से आप इजीली आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अब इन्हीं पर आधारित अब ये टॉपिक है जिसमें आपने लिपि पढ़ा, भाषा पढ़ा, बोली पढ़ा, जो है आपके एक तरह से भाषा पढ़ा और व्याकरण समझा। तो व्याकरण क्या है, एक तरह से ग्रामर का पोर्शन है जो शुद्ध करता है हमें, जो शुद्धता देता है हमारी भाषाओं को कि वो शुद्ध रूप से लिखी जा रही है या बोली जा रही है अथवा नहीं। तो अगर हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखते भी हैं, शुद्ध रूप में बोलते भी हैं। व्याकरण का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, भाषा को शुद्ध रूप में ना तो बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। तो व्याकरण क्या है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसे जो है आपको एक तरह से कहा जाए कि एक ऐसी जो है आपको चीज दी गई है जिसके माध्यम से जो है आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना चाहते हैं, सीखना है, जो आप जितनी भी चीजें सीखते हैं वो शुद्ध हो जाती है। तो ये है मुगल इतिहास जो कि आपके लिपि, भाषा, बोली और व्याकरण का होता है। बाकी आगे हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आप लोग इसको थोरली इस लेक्चर को जितना ज्यादा सुन सके उतना सुनिएगा, कोशिश करिएगा ईयरफोन हेडफोन लगाने का जिससे कि आप हमारी आवाज आपको क्लियर हो, और फिर इससे संबंधित जो आपको शीट दी गई है वो शीट को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें सारी चीजें थ्योरी लिखी हुई हैं और उसको अच्छे से पढ़ करके और तब जा करके जो है आप इस पर एक्सरसाइजेस, अलग अलग क्लास में अलग अलग एक्सरसाइजेस दी गई हैं, उन एक्सरसाइजेस को करिए अपनी कॉपी में और इन क्वेश्चनों को जो भी आपके इस तरह के जितनी भी आपकी भाषाएं जो आप लोगों ने पढ़ी है उन भाषाओं पर आधारित प्रश्न या लिपियों पर प्रश्न या फिर जो आपके बोली पर प्रश्न बनते हैं वो आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट जो आपको जो है उपलब्ध कराई गई है उसको जो है आप उसका उपयोग करें और उसको निकाल करके और उसको याद करने की कोशिश करें कि हाँ अच्छे से आपको वो लर्न हो जाए। थैंक यू।